गुजरात ही चलते हैं, उनके राज्य में चलते हैं और देखते हैं कि गुजरात में जो घोड़े दौड़ रहे हैं वो किसके लिए कितनी कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं, 26 सीटों में से कितनी सीटें आएंगी। 26 की 26 जीती थी 2014 में, मतलब क्लीन स्वीप हो गया था वहां पर। ये देखिए घोड़े दौड़ने लगे हैं अपने अपने आंकड़ों के साथ सामने, और किसकी कितनी सीटें श्वेता, ये देखिए 25 से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, और शून्य यानी कि या तो फिर से सफाया या फिर बहुत मुश्किल था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। कांग्रेस पार्टी जिसने विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 99 सीटों पर लाकर रोक दिया था बीजेपी, कुल 26 सीटें हैं, 25 से 26 तो यहाँ पर बीजेपी, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए वहां पर बचा है क्या? वहां पर सीधे तौर पर यह भी माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर चूंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा तो वो उसके साथ जुड़ाव हो जाता है। मणिशंकर अय्यर के एक नीच वाले बयान ने पलट दिया था विधानसभा के चुनावों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेवर में। मतलब कुल मिलाकर जो गुजराती अस्मिता की बात नरेंद्र मोदी की ओर से बार बार कही जाती है, पूरा का पूरा गुजरात एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। और यही कारण है कि देखिए कुल 26 सीटें हैं और सारी की सारी सीटें बीजेपी के खाते में ऐसा जाती हुई, और कांग्रेस पार्टी 0-1 पर। अब श्वेता मुझे जरा ये जल्दी से बता दीजिए, ऐसा क्या है कि जिस बीजेपी को 99 सीटों पर रोकते हुए कांग्रेस पार्टी ने 77 हासिल की थी विधानसभा चुनावों में, उसका ये हाल लोकसभा चुनाव में क्यों हो रहा है? डरा देंगे पर हराएंगे नहीं वाला आपको नारा याद होगा, जिस तरह से बैर और खैर वाली चीज थी राजस्थान की, यहां पर यह भी था कि डरा दिया लेकिन हराया नहीं है। बिल्कुल है ना आलोक जी, कम से कम हम गुजरात के इन आंकड़ों को थोड़ा विश्वसनीय आप मान रहे हैं? अभी तक बहुत अप्रत्याशित आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। गुजरात में जहां पर पिछली बार जो सफलता मिली तब तो आप कह सकते थे, इस बार सफलता खास करके पूरी कांग्रेस पार्टी ने ताकत लगाई, राहुल गांधी ने भी पूरी ताकत लगाई, और ऐसी स्थिति में गुजरात का ये चुनाव गांधी के नाम पर भी जो विवाद पैदा हुए हैं, ऐसी स्थिति में बीजेपी की सफलता सचमुच में, कहते हैं सोमनाथ से जो यात्रा अयोध्या वाली है तो लगता है वाराणसी वाली यात्रा, उन्होंने गुजरात में भी अपना झंडा बुलंद रखा है सारे विवादों और परेशानियों के बाद भी। हमने अपना चुनाव स्टूडियो की शुरुआत इसी गुजरात की धरती में अहमदाबाद से की थी, और वहीं से संकेत साफ मिल रहे थे क्योंकि गुजरात की अस्मिता एक बार फिर गुजराती व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री बने ये वहां पर बात कही जा रही थी, और उसका असर भी साफ दिखाई दे रहा है। गुजरात की अस्मिता और उसी के साथ शीर्षस्थ नेता देश का उसी गुजरात का हो, ये लोगों में कहीं ना कहीं दिल कर गया। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को काफी उम्मीद थी कि इस बार कम से कम इस बार जबकि नरेंद्र मोदी डायरेक्टली वहां पर नहीं होंगे उस समय बीजेपी को डेंट करने में कांग्रेस कामयाब होगी, ये कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी। लेकिन एग्जिट पोल कम से कम उस उम्मीद पर पानी फेर रहा है। एग्जिट पोल ये कह रहा है कि गुजरात में मोदी का जादू बरकरार रह सकता है, बीजेपी को 25 से 26 सीटें गुजरात में मिल सकती हैं, कांग्रेस के खाते में महज एक सीट अधिकतम जाने का अनुमान एग्जिट पोल दे रहा है।